पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है, इसीलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं। चूंकि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है, अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहते हैं और यह ज्योतिष गणना पितरों के अनुकूल होती है। इस अवधि में 16 तिथियां होती हैं और इन्हीं तिथियों में प्रत्येक की मृत्यु होती है। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को ही करना चाहिए क्योंकि इस तिथि को श्राद्ध पक्ष में अविधवा नवमी माना गया है। 9 की संख्या भारतीय दर्शन में शुभ मानी गई है। सन्यासियों के श्राद्ध की तिथि द्वादशी मानी जाती है। शस्त्र द्वारा मारे गए लोगों की तिथि चतुर्दशी मानी गई है। विधान इस प्रकार भी है कि यदि किसी की मृत्यु का ज्ञान न हो या पितरों की ठीक से जानकारी न हो तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाना चाहिए।